सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अभी जाने वाला हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो आया है बाहर से, कुछ उसे मेडिकल का कुछ काम था तो उसने कॉल किया कि भाई कहाँ पे हो, आओ मुझे मिलने के लिए। तो गाइस मैं जैसे ही निकल रहा था अपने घर से तो मुझे मेरे भैया मिल गए जो मेरे घर के बगल में रहते थे। आज काफ़ी सालों के बाद मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो गाइस भैया से मिलते हैं। तो और भैया कैसे हैं आप? बस ठीक है। और सब कैसे भाई, घर पे कैसे है सब? ठीक है, सब घर पे बढ़िया भैया। आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, आपका भी दर्शन हो रहे हैं मुझे। क्या बात है, आपका शरीर थोड़ा कमजोर डाउन हो गया है। नाइट ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ नाइट ड्यूटी कर रहा, नाइट शिफ्ट है। नाइट शिफ्ट मत कीजिए बॉस, डे कीजिए, शरीर डाउन होता जा रहा है। चलिए ठीक है, जैसी होगी ड्यूटी वैसी हो जाएगा। और घर मम्मी कैसी है? सब ठीक। दीदी लोग सब ठीक है? सब ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर, ओके बाय भैया। बाय। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बारहवाइंस, और ये मेरा वो दोस्त है जो आज करीब 5 साल के बाद मिल रहे हैं। हालांकि हम लोग एक साथ में काम करते थे, एक साथ रहते थे, पर इसका घर है चांडिल में और मैं रहता हूँ जमशेदपुर। तो आज ये मुझसे मिलने के लिए आया है स्पेशली। तो गो भाई कैसे? बहुत अच्छे भाई, आज बहुत सालों के बाद। हाँ बहुत अच्छा लगा बैठ करके, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इसीलिए तो बैठ करने आए हैं। तो गाइस सोचिए आज विश्वकर्मा पूजा में स्पेशली मुझसे मिलने आया है, तो कितना प्यार है। बहुत बोल के बहुत है। पर साला पर कमीना भी है, शादी के लिए पार्टी नहीं दिया है। अब बताइए देंगे देंगे उसी। तो गाइस पार्टी कब देगा, अभी बच्चा भी हो गया है, अब बच्चे के शादी में देगा क्या? देंगे कब देगा? चांडिल डैम कब जाना है बताइए? अब बताइए पार्टी के लिए चांडिल डैम जाएगा साला, पार्टी दे रहे कि डुबाने जा रहा है? पार्टी अच्छा देंगे भाई। तो डैम में कौन सा पार्टी होता है? बोट में भी घूमेंगे, नौका भी आ रहे हैं अभी हम लोग। हाँ। तो फेमस जगह है। हाँ वो तो बात है भाई, इसीलिए तो या तो दलमा हिल सारा ऊपर से कूदाएगा नीचे। हाँ? नहीं नहीं अच्छा जगह है भाई। तो गाइस देख रहे हो ना ये क्या कह रहा है कि यहाँ दलमा चलो या फिर चांडिल चलो, यानी पार्टी खा पार्टी के लिए हमको 500 रुपये तेल खर्चा करना हो फिर पहुँचेंगे इसके पास। बड़ी आरामी है। तो गाइस मैं आया था साक्षी वेटनरी हॉस्पिटल, मैगी और गुन्नू के इंजेक्शन लगाना था, उसका इंजेक्शन छूटा हुआ था। तो मैं तो कुछ काम से बैंक गया था, वहाँ से डायरेक्ट इधर आ गया। बैंक आज बंद है, मुझे पता नहीं था कि आज सैटरडे बंद रहेगा बैंक, लास्ट सैटरडे है। तो गाइस पहले उसे वैक्सीनेशन करवा देते हैं, बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो गाइस देखो मैगी डर रही है, लगे चल लगे चल। देखिए गाइस दो जान को इंजेक्शन लगवाने के लिए 3 बॉडीगार्ड आए हैं, और समझ रहे हो ना 3 बॉडीगार्ड। तो गाइस देख सकते हो अभी इसके कान सफाई हो रही है, वैक्सीन वगैरह तो लग गई है पर कान सफा कर रहे हैं। तो गाइस हमने अभी वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली है और उसके कान भी सफा करवा लिए जो गंदे थे। तो विवेक भैया कुछ मैसेज देना चाहते हैं? तो विवेक भैया अभी जैसा देख रहे हैं ये गाय में और जो आवारा पशु है इसमें लंपी वायरस स्किन डिजीज करके बहुत ज़्यादा फैला हुआ है,
और यहाँ पे लोग अपना जो भी समस्या है इसको रील के द्वारा या फेसबुक के पोस्ट के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बोलना है कि ये पोस्ट या एक रील कुछ समाज में कुछ बदलाव नहीं ला सकता है। तो जमशेदपुर में हम लोग ने ये शुरू किया है कि जमशेदपुर के जितने आवारा पशु हैं, जितने रोड पर घूमने वाले गाय सांड जितने भी हैं, उसको हम लोग ये फ्री वैक्सीनेशन हम लोग के द्वारा किया जाएगा। तो ये कल 10 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कल हमारा शुरुआत है और 26 तारीख को माँ का जैसा कलश स्थापना, आप भी जान रहे नवरात्रि में माँ का कलश स्थापना है, उस समय से लेके मतलब 25 से कल इनिशिएटिव को शुरू करके 30 तारीख तक कंटिन्यू जितना हमारा टारगेट है, जितना महादेव का दया से हम लोग कर पाएंगे, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 300 गाय और सांड का, अब देखते हैं जितना हो पाता है। गगन पाजी 10 बजे कल आपको भी रहना है, सपोर्ट में हम लोग का सपोर्ट में रह के काम करेंगे, एकदम पक्का रहेंगे, हम तो हमेशा रहते हैं और भी जितने रहते हैं उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं। एकदम सही बात है, सपोर्ट करना है क्योंकि आपको भी पता है आजकल मतलब कोई भी चीज़ को लेके इसका दुख, और ये हम लोग मतलब बोलते नहीं, एक समस्या को प्रकट करते हैं एक पोस्ट के द्वारा, और हमेशा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, तो कहीं कांग्रेस नहीं कर रहा है, जेएमएम नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है मेरे, मतलब जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे एक ही क्वेश्चन है कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एक मुहिम है चालू किया जाए, लोग जितने हैं जितने भी लोग हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ये डाल देंगे, इनका भी नंबर रहेगा, आप बात कर लीजिए हमसे और हम लोग को सपोर्ट करिए। आप ज़रूरी नहीं है कि पैसा से, फिजिकली भी और वहाँ खड़े होकर भी आप जो सपोर्ट करेंगे वो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, इतना ही बस मैं बोलना चाहता हूँ। तो गाइस बस मैं ये कहना चाहूँगा भैया ने जो कहा है उसके लिए आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और हमें सपोर्ट करें आप, यानी कि हमारे उस समय उस वक्त हमारे साथ भी खड़े रहोगे ना, तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी आपकी। ये लड़का अपना लोको में रहता है, लोको में ये लड़का अभी मतलब जितना है गाय का इंजेक्शन देने का काम ये कर रहा है, पायनियर वेट लैब में ये काम करता है, ये भी कल हम लोग को सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही बढ़ बढ़ के आगे सामने लोग आएंगे तो हम लोग का बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो अपने ब्लॉग के द्वारा अभी जितने व्यूअर है सबको बताएं ये चीज़। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारी मदद करें और जितने भी जानवर है उनकी हम हेल्प कर सकें। हम कई बार देखते हैं कि डॉग अगर कहीं खाता है ना तो उसे मारते पत्थर से, अगर खिलाने की औकात ना है ना तो मारने की भी ना रखो, ये बहुत गलत है। तो हम आग्रह करते हैं सबसे कि जितना ज़्यादा हो सके हेल्प कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ प्लांट जहाँ मैं ऑलरेडी एक बार काम करके जा चुका हूँ, तो ये फिर से विज़िट करने आया था कि यहाँ पे ये काम हो पाएगा, क्योंकि फ्लोर के ऊपर है, मुझे क्रेन चढ़ानी है, उसके बाद मैं प्लांट एरेक्शन करूँगा। तो टाइबीम वगैरह एक क्रेन लगी हुई है हेड्रा जो मटेरियल शिफ्ट कर रही है। तो गाइस देख लीजिए ये फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, ये जो मटेरियल है बस यही मटेरियल मुझे यहाँ पे एरेक्शन करना है। तो हालांकि थोड़ी सी रिक्स है क्योंकि टॉप तक मेरी क्रेन पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये जो हाइट है ना ग्राउंड से टॉप का ये हाइट ज़्यादा है। तो कोशिश करते हैं पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या लेंथ है क्या एंगल है, उसके बाद यानी फाइनल होगा। तो चलते हैं पहले अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद फाइनल करते हैं। और मेरे साथ हैं मेरे एकला भैया। तो एकला भैया कैसे हैं? बढ़िया पाजी भाई, बढ़िया। कैसे हो पाजी भाई की पब्लिक? आज मेरे साथ साइड विजिट करने के लिए एकला भाई आए हैं, तो ये काम तो होगा ही होगा इंशाल्लाह, एकदम होगा। और सब घर पे कैसे हैं? भाभी मेरी कैसी है? सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। हाँ हाँ, आज का मौसम अच्छा है कि नहीं? हाँ एकदम मस्त है, थोड़ा सा गर्मी था सुबह से गर्मी बहुत था, अभी थोड़ा शांत हुआ, अभी थोड़ा सही हो गया। और मेरे साथ आए एक और आदमी, बहुत खतरनाक इंसान है, उनका नाम है रवि, वो खड़े हैं देखिए मुस्कुरा रहे हैं रवि भाई, ये भी मेरे साथ आए हैं साइड विजिट करने के लिए। तो रवि भैया क्या यार, तो गाइस देख सकते हो ये लोकेशन है मरीन ड्राइव टोल ब्रिज, ये सामने में ही टूल टैक्स है और ये सामने देख लीजिए वो ईटा भट्टा, वहाँ से आपकी नदी है। ये हमारे हैं रवि भाई, ये भी क्रेन का वर्क देखने आए थे, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो ये करेंगे अपनी बड़ी क्रेन से, क्योंकि मुझे तो फुर्सत है नहीं क्योंकि मेरा अपने टेलकोरियम में भी बहुत ज़्यादा काम है और इधर भी है। तो चलता है गाइस अब अपने घर की ओर, विजिट हमने कर लिया है